देखो हम लोग को मेटल नॉन मेटल जो है ये पूरा चैप्टर आ रहा है, ठीक है ना। चैप्टर जो पूरा है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की, पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर इसकी केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है, और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। थर्ड है मेटलर्जी, मतलब एक एटम को, एक एलिमेंट को हम उसकी ओर से क्या करेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखेंगे तो तीनों पार्ट से एक एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है, लेकिन इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड प्लस उनकी प्रॉपर्टीज, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, छप सबसे चुका है, ठीक है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो तुम क्या करते आ रहे हो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कि जब मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड्स। लेकिन एक मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, वो है मर्क्यूरी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली या तो सॉलिड्स होंगे या तो गैसेस होंगे, लेकिन ब्रोमीन रहता है जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, लिक्विड रहता है। मेटल्स जो रहते हैं जनरली हार्ड रहते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो रहते हैं ये सॉफ्ट रहते हैं। ये इतने सॉफ्ट रहते हैं कि इसको नाइफ से भी काटे तो ये कट सकते हैं। जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन वो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, यानी कि वो नेचुरली बहुत हार्ड होता है। मेटल्स जो होते हैं उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कौन, सीजियम, सॉरी, सारे मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन सीजियम ऐसा होता है जो क्या होता है, हाथ पे रखो और पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। नॉन मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या रहते हैं, लो रहते हैं, लेकिन डायमंड के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। मेटल्स जो रहते हैं वो मेलिएबल भी रहते हैं और डक्टाइल भी रहते हैं, यानी कि उनको तीन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी कि ना ही उनको हम लोग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स लस्टरस होते हैं, यानी कि मेटल्स क्या करते हैं, शाइन करते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं, यानी कि वो चमकते नहीं है। डायमंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है, आयोडीन चमकता है, और ग्रेफाइट, मतलब ये क्या है, इसके एक्सेप्शन है। मेटल्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसमें कि बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, ठीक है ना। नॉन मेटल्स रहते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर रहते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। बोलो यहाँ तक तो कोई परेशानी? यहाँ पर तुम लोग को प्रॉपर्टीज तो याद रखनी है, पर उसपे ज्यादा क्वेश्चन कम आते हैं, एक्सेप्शन पे क्वेश्चन क्या आते हैं, ज्यादा। तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स की बात करते हैं, तो हमने बोला मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं कि वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, इम्पोर्टेंट ये, मेटल ऑक्साइड अपने आप में दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स और एक होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अब हाथों हाथ यही एक और नॉन मेटल की कहानी सुन लेते हैं, कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी दो तरह के ऑक्साइड्स बनाएंगे। ये बनाते हैं क्या, एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है, वो ऑक्साइड्स जो पानी में डिजोल्व होके क्या फॉर्म करेंगे, एसिड्स फॉर्म करेंगे। और दूसरे होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। दूसरे क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, मतलब ये पानी में अगर डिजोल्व कर भी दो या इनको पानी से रिएक्ट करवाओ भी, तो ये लिटमस का कलर चेंज नहीं करेंगे, है ना। एसिडिक ऑक्साइड्स की तरह एग्जांपल देखो, अगर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को आप पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा H2CO3। इसे हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड, जो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक्स में डलता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, क्योंकि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। सिमिलरली अगर आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को आप पानी से रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा H2SO3। इसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है।
वैसे ही नाइट्रोजन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके बनाता है HNO2, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रस एसिड, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? वाटर। वाटर अपने आप में कैसा होता है? न्यूट्रल। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए और इन्होंने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज NO, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी अपने आप में कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर भी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो तुम लोग को बहुत स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, और एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं। सबके एग्जाम्पल्स भी तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, अब हम लोग कहते आ गए मेटल्स पे आ गए, जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? Na2O। पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो K2O। कैल्शियम CaO, मैग्नीशियम MgO, Fe2O3, Al2O3, ZnO। सारे मेटल्स के ऑक्साइड हम लोग शुरू से बना रहे हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, तो कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ध्यान देने वाली बात क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इन सबके जो ऑक्साइड्स रहेंगे उनका नेचर कैसा रहेगा? बेसिक। ये सारे के सारे कैसे ऑक्साइड बनाएंगे? बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन एल्यूमिनियम और जो जिंक है, जो एल्यूमिनियम और जिंक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है ये वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। रुको जरा, सब्र करो, हमारी स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होगी। अगर एक एक रिएक्शन को हम लोग ध्यान से स्टडी करें तो यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात, सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसा होता है? हाईली विग्रस होता है, बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। पोटेशियम और ऑक्सीजन का भी रिएक्शन कैसा रहता है? हाईली विग्रस रहता है। ये रिएक्शन इतना विग्रस होता है, इतना विग्रस होता है कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर इसको हवा में डायरेक्ट रखेंगे तो ये हवा से हाथों हाथ क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा। और क्योंकि ये हवा से क्या करेगा? हाथों हाथ रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या होगा? आग लग जाएगी इनमें। तो हम लोग बोलते हैं दे कैच फायर व्हेन केप्ट ओपन इन एयर, देयरफॉर दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन इन कंपैरिजन टू सोडियम और पोटेशियम लेस विग्रस होता है, मतलब इतना खतरनाक नहीं होता। लेकिन मैग्नीशियम के रिएक्शन की स्पेशल बात क्या होती है? जो MgO बनता है वो व्हाइट कलर का ऐश रहता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और ये जब जलता है तो ये कैसे जलता है? इट बर्न्स विद अ डार्जलिंग व्हाइट लाइट, ये एक चमचमाती व्हाइट लाइट के साथ जलता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, इनका नॉर्मली जो रिएक्शन होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, मतलब जो नेचुरल रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है। बहुत स्लो मतलब ये अपने आप रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो रिएक्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा स्लो होता है, ठीक है। हाँ, हालांकि अगर हमको ये रिएक्शन करवाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इनको थोड़ा सा फास्ट हीट दे सकते हैं, जिससे क्या होगा? ये फास्ट रिएक्ट करेगी। अब जब हमने बोला कि सोडियम है या पोटेशियम है या कैल्शियम है, ये सारे क्या है? बेसिक ऑक्साइड है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, Na2O ने किसके साथ रिएक्ट किया? वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो इसने क्या बना लिया? NaOH। और NaOH अपने आप में क्या होता है? एक बेस होता है। कैल्शियम ऑक्साइड ने पानी के साथ रिएक्ट किया, तो इसने क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी अपने आप में क्या होता है? बेस होता है। जितने भी OH 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 होते हैं, ये सारे के सारे OH क्या होते हैं? बेसेस होते हैं। मुद्दा, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो कौन होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। यानी कि हमें क्या देखना है? हमें देखना है अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल रहे हैं। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कह रहे हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल रहे हैं, तो क्या वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है? हमने कहा हाँ, वो NaOH के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट क्या होता है? NaAlO2।
और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली क्या जिंक ऑक्साइड भी एनएओएच के साथ रिएक्ट करेगा, क्या ZnO भी एनएओएच के साथ रिएक्ट करेगा, तो जवाब है क्या, हाँ वो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, और सोडियम जिंकेट के साथ क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस, और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO। क्या ये दोनों एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, हाँ ये तो हमने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा ही था कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड वुड गिव मी सॉल्ट प्लस वाटर, तो क्या ये मेटल ऑक्साइड है, Al2O3 भी मेटल ऑक्साइड है और ZnO भी क्या है, मेटल ऑक्साइड, हाँ दोनों को जब HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर तो बनेगा ही बनेगा, Al2O3 के साथ सॉल्ट क्या बनेगा, AlCl3 दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, और जिंक के साथ क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड दैट इज ZnCl2। बोलो कोई परेशानी। नॉर्मली जो मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ये हम लोग कहानी शायद पहले कभी पढ़े होंगे, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है अब बात करते हैं सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, चीख चीख के बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे और ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बना लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस दोनों केस में हाइड्रोजन तो सरकारी है, हर रिएक्शन में रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पर जो इसका रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, हाईली विग्रस होता है, कैसा होता है, हाईली विग्रस, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली विग्रस होता है तो ये पानी में भी खेल रहेंगे तो क्या करेंगे, फायर कैच कर लेंगे, तो देयर रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर इज हाईली विग्रस, आ रही बात समझ में, तो यहाँ पर भी वो क्या कर सकते हैं, फायर कैच कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास कौन, कैल्शियम, कैल्शियम, हॉट वाटर में भी करेगा फायर तो कैल्शियम जो है वो कैल्शियम जब ऑक्सीजन के वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि ये जो रिएक्शन रहती है ये लेस विग्रस रहती है, क्या रहती है, लेस विग्रस, यानी कि यहाँ पर हीट जो रहती है बहुत ज्यादा रिलीज नहीं होती। फिर आता है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता, ये किससे रिएक्ट करता है, गर्म पानी से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, गर्म गर्म पानी पानी से रिएक्ट, तो गर्म मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, अगेन बहुत ज्यादा विग्रस रिएक्शन नहीं है। अब तीन मेटल रहते हैं जो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, वो सीधे स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन कौन से, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम, ये तीनों भी पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ये तीनों भी क्या करेंगे, पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, जिंक हटा दो यहाँ पे, आयरन और एल्यूमिनियम देखते हैं, ये जो है ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, इनके रिएक्शन के लिए हमें सीधे किसकी जरूरत पड़ती है, स्टीम की, और ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके भी क्या बनाएंगे, Fe2O3 यानी कि ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, ठीक है, वैसे ही ये भी Al2O3 प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जब पानी के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के क्या प्रोड्यूस होते हैं, बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो रहते हैं दे फ्लोट ऑन वाटर, क्या करते हैं, दे फ्लोट ऑन वाटर, कभी कभी एग्जाम में आता है कि व्हाई डू दे फ्लोट ऑन वाटर, तो हम लोग बोलते हैं कि जो ये हाइड्रोजन गैस रहते हैं ना, इसके जो बबल्स रहते हैं, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स रहते हैं ये अनरिएक्टेड कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, ये अनरिएक्टेड कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या करते हैं, अपने आसपास ले लेते हैं और फिर उसको फ्लोट करवाते हैं,
इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला, सोडियम पोटेशियम ठंडे पानी से ही रिएक्ट करते हैं और बहुत हाईली विगस रिएक्शन होता है। कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा लेकिन रिएक्शन कैसा रहेगा? लेस विगस रहेगा, ठीक है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। और कैल्शियम और मैग्नीशियम ने ऑब्जर्व किया है कि ये क्या करते हैं, पानी पे फ्लोट करते हैं। ये पानी पे फ्लोट क्यों करते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स रहते हैं वो अनरिएक्टेड कैल्शियम और मैग्नीशियम को, वो अनरिएक्टेड कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या करते हैं, अपने साथ ऊपर लेकर जाते हैं। आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो क्या करेंगे, वो ना ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगे ना गर्म पानी से रिएक्ट करेंगे। वो सीधे किससे रिएक्ट करते हैं? स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और जब वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं तो भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बोलो, कोई परेशानी? यहाँ पर तुम्हारा रिएक्शन विथ वाटर क्या होता है, खत्म होता